केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर के भतीजे और एक अन्य व्यक्ति का शव चंडीगढ़ में पेड़ से लटका मिला। वे एक सप्ताह पहले ही महाराष्ट्र के चंद्रपुर से चंडीगढ़ गए थे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के पूर्व सांसद अहीर अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCVC के अध्यक्ष हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री के एक सहयोगी ने बताया कि महेश हरिश्चंद्र अहीर और उनके दोस्त हरीश धोटे 8 दिन पहले चंडीगढ़ गए थे, जिसके बाद से परिवार वालों का उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। बता दें, महेश राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्श हंसराज अहीर के बड़े भाई हरिश्चंद्र अहीर के बेटे थे। परिवार के सदस्यों ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा, परिवार के सदस्यों ने 15 मार्च को चंद्रपुर थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई और पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेशी ने एक दल को चंडीगढ़ भेजा। बुधवार शाम अहीर और धोटे के शव चंडीगढ़ में पेड़ों से लटके मिले। उन्होंने बताया कि दोनों के परिजन शव लाने के लिए चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। बुधवार दोपहर को शवों का पता चला। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि महेश अहीर उम्र 26 और हरीश धोटे उम्र 27 का शव बुधवार दोपहर चंडीगढ़ के एक जंगली इलाके में लटका मिला। एक राहगीर ने दी पुलिस को सूचना। एक राहगीर ने बुधवार दोपहर को करीब 1 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 52 में एक जंगल में पेड़ों से लटके दो लोगों को देखा। उसने फिर पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को सेक्टर 16 के सरकारी अस्पताल लेकर, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस को मृतक के पास से यात्रा टिकट मिले हैं, जिससे संकेत मिलता है कि दोनों बुधवार सुबह उत्तराखंड के देहरादून से एक बस से शहर